नेपाल जाने वाली फीलिंग। तो नेपाल जाते टाइम भी झूला पुल है, एसी वाला झूला पुल है, और ये बोल रही कि हमें नेपाल जाने वाली फीलिंग आ रही है बोला। बिल्कुल रील का शौक चढ़ा है तो अभी अभी बना दूंगा रील, ठीक है, मस्त वाला बना दूंगा, मस्त वाला बना दूंगा ना, मदरी साहु ना, अच्छा वाला बना दूंगा, ठीक है। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहलाग अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं वीरू रुथवाल और मिस गीता रुथवाल आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से नए ब्लॉग पे। तो यार दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह सुबह का मौसम है, इतना मस्त खूबसूरत सा मौसम रखा है ना, आज काफ़ी दिनों बाद मस्त सी धूप आई है, इतनी अच्छी धूप ना 2 महीने बाद देखने को मिल रही है, और अभी धूप भगवान यहाँ पर पहुँचे हैं और आसमान भी काफ़ी खूबसूरत सा हो रखा है, लेकिन क्या कहें, आधे एक घंटे में बर्बाद हो जाएगा मौसम, फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है और हम दोनों जा रहे हैं कहीं दूर सफ़र पे, एक ऐसे सफ़र में जाने वाले हैं ना जहाँ से हम रसीले रसीले फल खाएंगे। तो निकलते हैं, घर से तो निकल चुके हैं और मम्मी की इजाज़त ले ली है और 500 रुपये का नोट मम्मी ने मुझे पकड़ा दिया है आज के दिन में भी, ठीक है, और इजा वहाँ पर से इंतज़ार करिए, बाय, बाद में आते हैं थोड़ी देर में। तो खूबसूरत मौसम के साथ हमारा घर काफ़ी डब्बा जैसा लग रहा है, तो निकलते हैं भाई फटाफट से। अब तो यार दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्विटी पे और मेरी डॉन यहाँ घमा गई है, धूप लग गया बेचारे, धूप लग गई है बेचारे के, देखो पसीना नाक में आ गया है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम जाते हैं लेने के लिए, और फिर को लेने के लिए आ गई लेने के लिए, नेपाल जा रही हूँ। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं फटाफट से, जाते हैं, और यहाँ देखो अभी कितने ज़्यादा लीची लेके आ रहे हैं भाई, ये सब बिकने के लिए जा रहे हैं, फार्म से आ रहा होगा लीची, ये देखो ये पूरा लीची जा रहा है, ये फार्म वाली लीची है ये। अच्छा अच्छा, कदर दाजू 15 किलो भैया, गुरु जी प्रणाम यार, 80 रुपये किलो, बस कैसे हैं, बढ़िया है, जिंदा है फिलहाल, बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये देखो, हाँ हाँ, फार्म से आ रहे हैं संडे के दिन, कितने रुपये किलो दिया आपको, 80 रुपये किलो मात्र, महंगे दिया बदमी, चलो ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल भी है ठीक सामने, परसों मैंने आपको दिखाया था, नदी भी है, अब ले चलेंगे आपको झूला पे, अरे डन है, नदी बड़ी है ना आज, तो डॉन बोल रही है, क्या बोल रहे हो आप, नेपाल जाने वाली फीलिंग। तो नेपाल जाते टाइम भी झूला पुल है, एसी वाला झूला पुल है, और ये बोल रही कि हमें नेपाल जाने वाली फीलिंग आ रही है बोला। नेपाल भी तो एसी है, इधर साइड। अरे यार वहाँ बड़ा झूला पुल है, अलग वाला झूला पुल है वो। अच्छा अच्छा, ऐसी काली नदी है ना ये, छुटकी ये कौन है, रीना, अच्छा यही लेने के आने वाले थे, अरे खुश रहो बिल्ली खुश रहो। तो लेने के लिए आ गए हैं लीची के लिए, डॉन ने फोन किया था, तो छोटी भूली आई है रीना। ये देखो ये पुल में डर रही है ये लड़की, देखो छी छी डरपोक फट्टू इंसान, और भाई नदी देखो कितनी भयंकर है, ये भागो 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 भागो, आजा 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 दौड़, और ये देखो भाई पुल नदी गजब। तो डॉन को इसमें नेपाल जाने वाली फीलिंग आ रही है, अब बताओ ये है, कैसे टूटेगा पुराना पुल है करके, अच्छा तो चलो फाइनली हम तेरे नेपाल में पहुंच गए रे दोस्त, ये रस्सी लगाई है ना ये पुल को कसने के लिए, तो ये है पुल देखो ये, परसों को हम दूसरी जगह गए थे, आज हम जा रहे हैं दूसरी जगह, तो छुटकी भूली आई है लेने के लिए, और मस्त सी चढ़ाई है यहाँ, तो और इतना मस्त है ना जगह, वो देख लीची वो, ओ भाई यहाँ तो परसों से भी ज़्यादा हैं रे,
तो फाइनली हम घर पे तो पहुंच चुके हैं। सब्जी की मात्रा भी अच्छी लगाई है यहाँ, भिंडी बैंगन ही बैंगन। चलो कद्दुआ। हर कुत्ते गांव में ऐसे डराते हैं हमें। चलो चलो, तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, फेरी वाले भी आए हैं। पढ़ा तो घर में तो पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं रूख में कब चढ़ते हैं। अरे यहाँ ना लीची, वो देखो भाई पेड़ में लीची, ये रहे, ये देखो लीची ही लीची मिलेंगे आपको। तो आम की मात्रा भी काफी अच्छी क्वालिटी पे है। तो दादी बताएंगे क्यों वाला आम हुई? ये दशहरा आम है। अच्छा, ये पहाड़ का भी है? ये अभी घोर तैयारी हो रहा है इसका। अच्छा, इसका कोई टाइम नहीं है, अब आप बस निकालेंगे इसको। बहुत अचार वगैरह भी बनाने वाला है? अचार के वाले वो है नीचे अचार। अच्छा छोटा वाला? हाँ, वो अचार वाला। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आम, बाबरे काफी अच्छी फसल आपकी। नहीं तो ऊपर लीची भी वो है। अच्छा अच्छा, ये सब तुम्हारा ना पेड़? हाँ सब हमारे। अच्छा, कभी कभी चाहिए सीजन है लीची, मतलब कभी किलो? कोई वो नहीं है, नहीं कोई। अच्छा, तो ये है भाई, एक इसको कह सकते हैं आप कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं एक तरफ से। तो काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे लीची की बिजनेस, आम का बिजनेस और सब्जी वगैरह की। तुम्हारे यहाँ सब्जी क्या है? भिंडी है, लौकी, लौकी टमाटर बैगन ऐसे। टमाटर मर वहाँ पे कहा? बढ़िया वाला नान अच्छा वाला था। अच्छा अच्छा वाला था, बड़ा वाला। अच्छा अच्छा, तो अच्छी मात्रा पे कुटीर उद्योग करते हैं। घर में मतलब कौन-कौन बस बार बार किसान का? तो किसान में भी काफी अच्छा प्रॉफिट है भाई आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में सभी छोड़ ही रहे हैं ये चीजें। सब छोड़ रहे हैं, लेकिन हम करते रहेंगे इस को आगे जाते। बादर रुपए थोड़ी खाने, खाना खाना की हो, खाना तो खाना ही है, पैसा थोड़ी खाएगा आदमी, कुछ भी कर लो ना। चलो ठीक है, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बहुत गर्म हो रहा है। हमारे यहाँ से तो काफी गर्मी है यहाँ। हमारा आज जॉकेट लोड़ान, ये तो बनियान में आ रहा था। हाँ बस में बसना। तो अब फटाफट से थोड़ा बैठते हैं पानी वगैरह पीने के बाद, फिर काम करते हैं, फिर चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम किचन में आ गए हैं और किचन तो काफी खूबसूरत सा बना रखा है। तो मैं पहाड़ी किचन में आपको एक चीज दिखाता हूँ ना, ये बहुत पुरानी पुराना कल्चर है, आज के डेट में ये लोग बाल भूलते जा रहे हैं। ये देखो काफी सारे डुबके, मोटे हुप और साउनू रखे हैं। ये देखो भाई काफी अच्छी तरीके से रखा है, क्योंकि आज के डेट में ना ये सब लोग बाल भूल रहे हैं। और एक मोट लगभग कभी कहूँ 3000 का एक मोटा आता है भाई, जो रिंगाल से बनाया जाता है। तो ये देखो मेहनत देखो ना भाई, सबसे पहले और बारीकी देखो काम में। ये हो पहाड़ी किचन है। अच्छा उधर यहाँ बिरावल है, मैं है घर बिराव है, पुसाड़ा ने हैंड हैंड पर टॉक टॉक है। क्यों बोल दिया झूठ ने? तो यार भाई ये देखो पूरा बगीचा है आम का, लीची का और काफी सारे फल फ्रूट्स हैं यहाँ। छोटे छोटे पेड़ में भी लीची लगे हैं और छुटकी देखो पेड़ में चढ़ी हुई है, दिख रही होगी आपको ऊपर पेड़ में, बिल्कुल मस्त करके। पिछली बार भी दिखाया था मैंने आपको कि लीची कैसे तोड़ते हैं और नीचे बर्बाद। ए छुटकी बहुत बर्बाद है गांडे, ए इतने सारे बर्बाद हो गए नीचे और छुटकी मस्त तोड़ रही है। तो दोस्तों छुटकी ने काफी सारे लीची तोड़ के लागी है, वो कम पड़ गई फिर और चले गई पेड़ पे। और यहाँ पे मामा मस्त करके लीची छान रहे और पत्तियां अलग कर रहे हैं, लीची छान के दे रहे हैं। और लीची की क्वालिटी देखो ना भाई, काफी खूबसूरत है भाई लीची, लाल ही लाल तोड़ के लाई है छुटकी, ये मस्त करके तोड़ रहे। ये देखो तू किसान तुला हेल्प कर दी ने, तो सीखो। ये मस्त करके तोड़ रहे फटाफट, अब आदत होगी ना तमर, अब इन फार ले नहीं भाई, बोले नहीं भाई। तो यार दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं घर की तरफ और झूला पुल में आ रहे हैं। डॉन डर रही है, डरपोक इंसान। तो ये है झूला पुल, ये देखो ये है राम गंगा नदी, जाकुला नदी सॉरी, और नीचे भी देखो नदी ही नदी है भाई पूरी। और हम चलते हैं अब घर की ओर। तो यार दोस्तों फाइनली हम क्विटी से पहुंच चुके हैं लीची वगैरह लेके, और यहाँ पे चल रही है शॉपिंग, तो सावन स्पेशल शॉपिंग चल रही है। और मालिक साहब के यहाँ चल रही है, खाना खाया है। और
छोटे भाई लगा रहे हैं चूड़ी के नाप, और पता है हाथ देखते ही नाप पता चल गया, और वहाँ देखो सीधे चूड़ी वो इसी नाप से निकलेंगे है। पता नहीं एक्सपीरियंस यहाँ जूम करना, इसको दिखाना है, इसको उसमें दिखाना उसका स्लो में। ये क्यों फुल एक्सपीरियंस है भाई को, तो सावन स्पेशल शॉपिंग है। डॉन के पास सिर्फ दो चूड़ियाँ थी, दो उस हाथ के लिए, दो उस हाथ के लिए, अब पूरे भर भर के जाएंगे। डॉन गए हैं घर डॉन है या बिजली डॉन चले जाएंगे आराम से, रुक जाओ रुक जाओ गलन बहुत पक गलन बहुत। तो यार दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और घर पहुंचते पहुंचते ये देखो यार कितना भयंकर मौसम हो गया, पूरा बादल ही बादल लग गया और यहां ठंडा होने लग गया। अभी कुछ देर पहले क्विटी में इतना गर्म हो रहा था ना, काफ़ी ख़तरनाक वाला, और मम्मी ने आज थोड़ी सी धूप आई थी तो सारे कमरों के लगभग कपड़े गद्दे धूप में लगा रखे हैं। अब बारिश आने वाली है तो फटाफट हम इसको अनलोड कर देते हैं कमरों पर। ये देखो सारे कमरों का सामान, कपड़े, ये कुर्ता का है वो कम ले सकी कम मौका है ये बर्त दिन बोलिए, तो ये सारे कपड़े यहाँ घम डाल रखे हैं। अब इनको फटाफट से पैक वगैरह करने के बाद अंदर रखते हैं और बारिश का नज़ारा दिखाते हैं आपको। इसके बाद बारिश होनी होनी है डेली कंटिन्यू भैया, बारिश कंटिन्यू हुई। और डॉन फटाफट से फोल्ड करेगी कपड़े, फिर अंदर लोड कर देते, फिर चाबी वगैरह लगा देते, ठीक है। और मौसम देखो भाई इतना खूबसूरत हो रखा, अभी बादल 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 झरना। तो थोड़ा सा लीची मम्मी को भी खिलाते हैं, ले थोड़ा सा खिलाते ले, ये दीदी बात खाए बैठे इनकी खिला ले, टी 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 लीची खा। तो दोस्तों क्विटी से तो हम आ गए थे खाना वगैरह खाने के बाद, अभी मैं आ रखा हूँ गुणा डगाने, और डॉन आई है घास काटने के लिए। घास कम लीची ज़्यादा सूझ रही है, तो लीची आया करके आज ही खाओगे सब, खेत में ही खा रही है। वाह मुझे। अच्छा तो यार दोस्तों एक बात बताओ, परसों को ही यहाँ पे हम निराई गुड़ाई कर रहे थे एक महीने पहले, और आज देखो मडुआ कितना बड़ा हो गया है, डॉन के कमर तक पहुँचने लग गया। लगता है अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा ना ये, दो महीने बाद। हाँ दो महीने बाद ऐसा मडुए लगेंगे भाई, काफी खूबसूरत खूबसूरत बालियां। हाँ तो दो महीने बाद मडुआ तैयार, वही तो खा ही लेंगे तब तक। तो बंद गुणा मैंने दगा दिया है, आज कल्लू का भूत बना दिया लंगूर ने, कान खींच रहा था, बोले ऐसे लंगूर ऐसे ऐसे करके कहे खींच रहा था ऐसे करके लंगूर ऐसे करके कुत्ते का कान खींच रहा था। वाह है ऐसी बात है भाई, लंगूर भी अब हीरो बन गए यहाँ। चलो मैं चलूँ घर, बाय बाय। तो यार दोस्तों शाम हो चुकी है और मेरी प्यारी सी बीबी यहाँ पे रिंगा रही है मत्था। अच्छा और डॉन को बिल्कुल रील का शौक चढ़ा है, तो अभी अभी बना दूंगा रील, ठीक है, मस्त वाला बना दूंगा, मस्त वाला बना दूंगा ना, मदरी साहू ना अच्छा वाला बना दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो फटाफट काम करो। और अगर बाहर की बात करें ना तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, देखो भाई बारिश आ गई है और मम्मी मेरा व्लॉग देख रही है यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि कल हम मंदिर गए थे ना, पीपल देवता के मंदिर पे गए हुए थे, तो वहाँ का तो मम्मी आ नहीं पाई थी, तो मम्मी को जितना हम रिकॉर्ड करते ना हर दूसरे दिन जैसे एडिट करती है फिर अपलोड करते, तो मम्मी को वो सारी ब्लॉग देखते हैं, तो मम्मी को हर जगह की जानकारी पता रह जाती है कि आपकी उसका मम्मी का बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसी वीडियो बना रहा है करके सब कुछ देखने को मिलता है मेरी मम्मी को। और जितने भी मेरे रिश्तेदार वगैरह सब चाणीरा वाला था, हमने चाणा है ना वो, ओ ठीक कौन सा, ठीक है, तो सभी देखते हैं मेरे ब्लॉग, तो काफ़ी कोई बोलते सपोर्ट बहुत करते हैं और बोलते हैं और अच्छी वीडियो बनाओ करके, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलते रहता है। और जैसे शाम का मौसम हो रखा है ना भाई, ये देखो यार फिर से बारिश, और मम्मी का फिर ध्यान कहाँ होगा बारिश में ना हो मेरे ब्लॉग में हो, यो मस्त सहन है। और मौसम देखो यार ये क्या है यार भाई, मौसम कंटिन्यू, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब यहाँ भयंकर वाली बारिश आई नहीं होगी, कंटिन्यू बारिश, कब रुकेगी ये बारिश यार पता ही नहीं रहे है, कब रुकेगी ये बारिश आखिर कब। अगर चारों तरफ की बात करें तो ये देखो यहाँ मस्त सा वाटरफॉल भी भरा है, इधर साइड से लगभग झरने ही झरने दिख रहे हैं, और चारों तरफ
बादल ही बादल करेली का झील भी फुल हो गया, इसमें करेली लग जाएंगे थोड़े दिनों में। ये देखो यार ऐसा है, और हमारा घर तो पूरा हरा भरा हो गया, ये देखो पूरा मुखी मुख जम गया, ये देखो पूरा हरा भरा हो गया। तो बरसात के मौसम में ऐसा ही रहता ना, हमारे गांव में इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना, इतनी ज़्यादा बारिश होती है बता नहीं सकता। ये देखो फुल बारिश। तो यार दोस्तों रात हो चुकी है और अभी हम खा रहे हैं खाना, और ये आज खाने में खा रहे हम मट्ठा है, नमक है और रोटी है। तो ये है पहाड़ी स्टाइल, नमक मट्ठा और रोटी खाने का। और भाई शाम 6 बजे से कंटिन्यू बारिश थी और अभी तक बारिश हो रही है भाई। ये देखो ये अभी तक रिमझिम बारिश है, और आज तो काफ़ी हाई अलर्ट बताया हुआ था, तो देखते हैं आज कितनी बारिश लगती है यार। हाँ काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है। तो यार दोस्तों अब खाते हैं खाना, फिर करते हैं वीडियो एडिट, फिर करेंगे अपलोड। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। बाय दोस्तों।